गुड मॉर्निंग गाइस, गुड इवनिंग गाइस। सॉरी, कैसा चल रहा है यार आप लोग का? आज है हमारा है वीक 1 डे 4 एंड दिस इज 9 PM मैच डिस्कॉर्ड स्क्रिम्स हमारा डेथ मैच ई-स्पोर्ट्स का। तो जल्दी से एक बार स्क्वाड्स का देख लेते हैं। वन में आई थिंक एम्प्टी रखना था, ये कोई लास्ट में ज्वाइन किया होगा तो आई थिंक आ गया है। नेवर माइंड, यहाँ पे सारे स्क्वाड्स मुझे दिख ही रहे हैं। फुल फुल हमारा बोल्ट दिख रहा है मुझे, मजी दिख रहे हैं। बोल्ट के दो स्क्वाड आते हैं, नकली दिख रहे हैं। CHBYL काफी धासु लॉबी है यहाँ पे। एरो दिख रहा है मुझे, GOB दिख रहा है मुझे, बढ़िया बढ़िया स्क्वाड्स दिख रही है मुझे। तो यहाँ पे फ्लाइट पाथ देखते हैं, काफी सेंट्रल ही बोलेंगे इसको, ऑलमोस्ट सेंट्रल गए हैं तो यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इस मामले में कि स्प्रेड आउट आराम से हो सकते हैं। तो यहाँ पे अनलेस यार क्या, हाँ जा रहे हैं सारे स्क्वाड आई थिंक साउथ वेस्ट की तरफ घुस रहे हैं। विला में कौन सी नकली, यहाँ पे विला में निकल उतरने का सोचिए। एंड लकीली 1 और 19 नंबर के, 1 में 1 नंबर एक जन है, 19 में 2 जन है, लकीली वहां उतरे नहीं वरना दिक्कत हो जाती यार। यू डोंट वांट टू मेस विथ नकली नकली स्क्वाड यार। अभी तक हमारी वीकली टेबल टॉप में है, बढ़िया स्क्वाड है। यहाँ BYL दिख रहा है मुझे जाते हुए, बढ़िया स्क्वाड BYL। यहाँ बलिदान जाते हुए वेस्ट के तरफ, यहाँ बोल्ट दिख रहा है मुझे 17-18 नंबर, यहाँ पास पास ही उतरता हुआ दिख रहा है। यहाँ 7-11 नॉर्दर्न साइड में जोन, मैप के नॉर्थ साइड में, नॉर्थ वेस्ट हल्का मान लीजिए, वहां पे भीड़ दिख रही है। यहाँ मुझे दिख रही है 6 नंबर और 20 नंबर, यहाँ टीम हीट एक है और एक प्रिंस इन्फर्नो यूसुफ, ये लोग दिख रहे हैं मुझे, बढ़िया बात है। या एक बंदे अलग उतरे हैं यहाँ पे, हाइड्रा रौनक मुझे दिख रहा है अलग उतरते जस्ट अ सेकेंड, हाइड्रा रौनक मुझे दिखे थे अलग उतरते हुए। यहाँ पे सेंट्रल में देखे तो 15 नंबर स्क्वाड दिख रही है मुझे, 19 के यमदूत राहुल आइलेक्स, यहाँ GOB स्क्वाड, और 16 नंबर जो की है GOB, एंड 8 नंबर यहाँ भिड़ते हुए, यहाँ 22 नंबर 24 नंबर अपना बलिदान वर्सेस BYL यहाँ पे होते हुए, 9 नंबर के भी 2 बंदे और 24 के भी 2 बंदे, हाँ बलिदान एंड 22 के हमारे ये BYL, राइट। तो बलिदान वर्सेस BYL हमें यहाँ को यहाँ देखने को मिल सकता है। यहाँ 9 नंबर, यहाँ हमारे मैनेजमेंट ने अभी मैसेज किया है, ये PK इलेक्ट्रॉन कौन है पता नहीं कहाँ से आ गया, गलती से आया है ये, रजिस्टर्ड प्लेयर है बट स्क्वाड गलत है। हीट स्कूबी यहाँ पे नॉक होते हुए एकदम ईस्ट साइड में हमने देखा था, हाइड्रा, ये हाइड्रा रौनक, टी हीट निंजा और एक और जो हीट स्कूबी थे, यहाँ 2 OP ने फिनिश कर दिया है हीट स्कूबी अर्ली डिपार्चर लेते हुए। यहाँ BYL विशाल को हम देख सकते हैं 6 पे, जल्दी से एक बार देख के, यहाँ जहर इन्फर्नो, ZH के इन्फर्नो है यहाँ 6 नंबर सामने। यहाँ पे हीट निंजा भी थे, देखते हैं वहां पे क्या करते हैं। हिट निंजा अकेले बचे नहीं, हाइड्रा रौनक है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ अकेले पड़ जाएंगे आई थिंक। बैक ऑफ करने का सोच लिया है, जी हाँ बैक ऑफ कर रहे हैं, और लूट वूट भी ज्यादा नहीं है, उजी लेके रखे हैं, एक हेल्थ किट, नेड वेड कुछ नहीं मिला है यहाँ पे। हेलमेट लेते हुए लेवल 1, अभी तो दिक्कत होगी इनको, यहाँ शॉर्ट गन पड़ा हुआ आई थिंक, सेकेंड गन भी नहीं है, सेकेंड गन इनको शॉर्ट गन रखना पड़ा, सॉरी फॉर दैट। जी हाँ, तो हीट निंजा गाइस यहाँ पे जाते हुए, गेमर एक्स स्क्वाड की तरफ चलते हैं हम। 11 नंबर हमारी स्क्वाड जो है, एक सेकेंड यार क्या हो रहा है ये, जी हाँ, तो अब किधर जा रहे थे हम लोग, 11 नंबर स्क्वाड पे ध्यान था हमारा। 9 नंबर 24 नंबर 22 नंबर यहाँ पे है वेस्ट साइड में, दोब्रो में, तो बोलने में मजा आता है यार। टीके और TK0 ने यहाँ पे नॉक किया किसी को, आई मिस्ड इट। यहाँ 17 नंबर स्क्वाड गेमर एक्स, हमारी स्क्वाड जो है गेमर एक्स अर्जुन, गेमर एक्स बोंदू, जियर्स यहाँ पे लड़ते हुए। टीक्यो ने V7 के जियर्स को यहाँ पे फिनिश कर दिया, जी हाँ यहाँ पे ही फाइट चल रही है 7 वर्सेस 11। गेमर एक्स के एक बंदे यहाँ पे आई थिंक फिनिश भी हो चुके हैं, यहाँ पे तुरंत ही फाइट आगे की भी देखने को मिली। हाँ क्वालिटी को क्या हो गया, सॉरी। यहाँ पे खत्म करते हुए, जी हाँ नॉक कर दिया ARX लिक्विड को यमदूत राहुल ने, वो कहीं और फाइट चला, सॉरी। यहाँ गेमर एक्स वर्सेस TO7, यहाँ नेड जाता हुआ जा रहा है कि आ रहा है समझ नहीं आया। गेमर एक्स यहाँ निकलेंगे अगर तो, यहाँ TKO के बंदे, जी हाँ यहाँ पे फाइट होगी, सामने आ जाएंगे, यहाँ 2v1 में फंस सकते हैं, जी हाँ 1v1 में ही निकाल लिया सेंसी ने यहाँ गेमर एक्स को। तो इसी के साथ 11 के 2 बंदे यहाँ खत्म होते हुए, 2 बंदे बचते हुए, गेमर एक्स अर्जुन, गेमर एक्स बोंदू। अब ये क्या करेंगे, आई थिंक बैक ऑफ करने का प्लान है इनका, जी हाँ लग तो रहा है यही। और यहाँ गेमर एक्स बोंदू भी खत्म होते हैं नॉक होते हुए।
अब क्या करेंगे, यहाँ फिनिश हो जाएंगे तुरंत ही। गेमर एक्स अर्जुन नहीं गए बचाने के लिए, या तो रोटेशन लेने का सोच रहे हैं, नहीं ये आई थिंक ये भागने का ही सोच रहे हैं, इज बैकिंग ऑफ, विच इज अ फाइन डिसीजन, क्योंकि तीन मेंबर आपके ऑलरेडी दे आर नॉक। या यमदूत राव ने ERX के एक और बंदे को, और ILX लुकेरियो यहाँ पे नॉक होते हुए नेड से, बढ़िया नेड यहाँ यमदूत के द्वारा देखा, और गेमर एक्स अर्जुन तो निकलने में कामयाब रहे यहाँ पे। तो देखते हैं अब 20 नंबर रियूनाइट हो गई हमारी ईस्टर्न साइड में, या साउथ में चलते हैं थोड़ा। एक्सक्यूज मी जी। हाँ तो यहाँ ILX के एक बंदे हैं यहाँ वर्सेस राहुल, स्पेक्टेट नहीं हुआ यार, क्लिक नहीं हो रहा, आई एम सॉरी। हाँ तो यहाँ ILX इक्विनॉक्स दिखते हुए यहाँ 19 और 15 का फाइट चल रहा है। अच्छा यहाँ ये थर्ड पार्टी जरूर करने का सोचेंगे ILX इक्विनॉक्स, उधर का जो भी फाइट होगा उसमें ये अपना एकदम प्रॉफिट लेने का सोचेंगे। यहाँ 15 नंबर पे रश, 15 नंबर ने रश कर दिया, यमदूत राहुल यहाँ पे झेल पाते हैं कि नहीं, अकेले आ रहे हैं यहाँ पे, एक बंदे को नॉक किया यहाँ, फिनिश नहीं कर पाए यहाँ पे, गन स्विच गन रीलोड किया, UMP लेके रखा है, बट यहाँ पे सामने ILX इक्विनॉक्स भी। अरे जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे थर्ड पार्टी ही हुआ यहाँ पे, ILX इक्विनॉक्स जैसे गेट खोला समझ गया मैं, उधर से वो फायर करेंगे, तो बाकी लोग भी समझ गए पर कि यहाँ पे बढ़िया किल चुरा है यार, मतलब लगभग 10 HP पे होंगे, 10 HP बचा हुआ, किल चुरा लिया। अब इनका नजर ILX के बंदों का नजर है अब यहाँ आपका उस पे ILX लुक, एक सेकेंड, ILX के ही बंदो, ओ हो, ऐसा हो गया था क्या, ILX इक्विनॉक्स ILX लुकेरियो यहाँ पे अलग अलग, बट वो अगेंस्ट ही फाइट कर रहे, बढ़िया बात है, जो कि यहाँ ILX इक्विनॉक्स पे चलते हैं, फिनिश किया यहाँ पे ILX इक्विनॉक्स को यहाँ पे ऊपर में, तो यहाँ पे ERX विजर्ड ने ILX इक्विनॉक्स, ये शायद इनका ही बंदा था, ये मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा यार ये हुआ क्या था, समझ नहीं आया, क्योंकि दोनों तरफ ILX के बंदे थे। यहाँ BYL फेनोमेनल ने यहाँ पे नॉक किया, 9 नंबर से भिड़न हो चुके हैं, दो बंदे थे 9 नंबर के, पर अब शायद एक ही बचे हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे भी स्क्वाड नहीं थे दोनों, आई थिंक लेट ज्वाइन किया है जिस भी वजह से, वॉट एवर बी द रीजन, वो लोग एक साथ एक स्क्वाड में आ गए थे, दे वर नॉट रजिस्टर्ड फॉर द स्क्वाड। यहाँ पे 9 के एक बंदे यहाँ फिनिश होते हुए कोई चांस नहीं, पीके इलेक्ट्रॉन गाड़ी लेके या बाइक, गाड़ी लेके, अच्छा बाइक ही लेके यहाँ पे निकलते हुए कहाँ रुकेंगे ये देखने को देख सकते हैं। वैसे बलिदान अभी थे साइड में, फायर नहीं किया आई थिंक, बलिदान अभी ने यहाँ फायर क्यों नहीं किया यार, खैर या BYL, और अब BYL के तरफ आ रहे पीके इलेक्ट्रॉन, या रोटेट घूम रहे हैं, लिटरली रोटेट कर रहे हैं एक ही जगह पे, यहाँ बाइक क्रैश होगी, जी हाँ क्रैश होगी, क्या करना चाह रहे पता नहीं है, और चलते अब पीके इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं यार, ऐसे ये टाइम पास कर रहे हैं। लेट्स गो टू BYL, विशाल और समवन यहाँ BYL स्क्वाड पे जाते हैं यार, रुक के पहले बाकी का मैप देख ले एक बार फट से हम लोग। यहाँ पे मोवात्रा में हमें देखने को मिल रहा है एरो यहाँ पे फंस गया है, एरो प्रेम और दो स्क्वाड और दिख रहे हैं मुझे, एम टैडी एम अमन तुषार डेविल, और यहाँ GOB स्क्वाड दिख रही है मुझे, तो यहाँ 16 vs 4 पहले होगा GOB वर्सेस हमारा 4 नंबर, और यहाँ एरो एकदम नीचे में बेस बना लिया, एरो के बाकी बंदे कहाँ है यार, दो एक बंदा दिख रहा है मुझे, तो पहले यहाँ पे भी थर्ड पार्टी जरूर देखने को मिल सकती है। यहाँ पे किधर फाइट हुआ है, 4 नंबर सैंडविच हो चुके हैं ऑलमोस्ट, राइट साइड नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे दिख रहा है हमको 16 नंबर, एंड यहाँ साइड में दिख रहा है, छत पे जाने का ट्राई करेंगे ऑफकोर्स, यहाँ छत पे आराम से पहुंच गया, अब देखते हैं। हाँ तो जैसा कि मैं कह रहा था यहाँ सैंडविच हो गए 4 नंबर, देखिए पीछे से 8 के एरो एरो स्क्वाड यहाँ पे, वो 18 नंबर भी पीछे आ गए, तो अब एरो पे चाप आ जाएगा क्योंकि एरो के पीछे 18 नंबर है। जी हाँ बोल्ट स्टोनर यहाँ एरो प्रकुल को नॉक किया, गंदा वाला यहाँ पे वो हो गया है, यहाँ फाइट लेते हुए M416 से 1v3 का सिचुएशन है यार, नहीं कर पाएंगे आई थिंक यहाँ पे, जी हाँ फिनिश हो गए। ओ हो, यहाँ पे क्या थर्ड पार्टी आज बहुत देखने को मिल रही है यार, वहां पे ऑलमोस्ट किल हो ही गया था, बच गया, बोल्ट पुश इन कर रहे हैं यहाँ, एरो स्क्वाड यहाँ वाइप हो चुकी है, अब उनके जगह बोल्ट यहाँ पे प्रेशर देते हुए 4 नंबर स्क्वाड पे हमारी GOB अभी भी अपना पोजीशन मेंटेन करके रखा है वहां पर, 4 नंबर के लिए यहाँ दिक्कत हो सकती है, देखिए GOB 20 शॉट यहाँ, सामने से पूरी स्क्वाड है और पीछे बोल्ट है, बोल्ट के इनसेन वहां पे रोटेशन लेके थोड़ा साइड में आ गए, पेड़ का कवर लेके रखा है उन्होंने, ट्री से कवर बना के रखा है अपना, एक सेकेंड, हाँ तो अब देखते हैं यार यहाँ पे 3 जो स्क्वाड है उसमें से 5 स्क्वाड थी ऐसे, तो
वहां यहाँ पे अभी एरो तो ऑन एलिमिनेट हो गए, बोल्ट्स ने बढ़िया उन पे एलिमिनेट किया। एक सेकेंड, जी आई एम सॉरी गाइज, इम्पोर्टेंट था। तो यार ये क्या कर रहे हैं यार, एकदम विंडोज अपना चेहरा दिखा दोगे यार तो कैसे चलेगा। पीक लो अच्छे से पीक लो ब्रोस। 4 नंबर स्क्वाड हमारी, जी हाँ 16 के 20 शॉट यहाँ पे मॉली करते हुए अंदर गया कि नहीं, नहीं बाहर गिर गया। यहाँ अंदर जाता तो अच्छा हो जाता है। यहाँ पे 4 नंबर बेचारे पूरे सैंडविच हो गए हैं, उधर से निकल भी नहीं सकते, रोटेशन भी नहीं मार सकते क्योंकि बोल्ड स्क्वाड ने यहाँ पे ब्लॉक करके रखा उनका रोटेशन का पाथवे। यहाँ 16 नंबर पे चलते हैं, नॉक किया एक जन, जी हाँ यहाँ पे AKM से नॉक किया थ्रू द विंडो। यहाँ पे रशिन कर दिया है, जी हाँ रशिन कर दिया है। यहाँ पे टीममेट्स को आने दो यार, यहाँ पे गेट खोल दिया है, फोड़ दिया है इन्होंने, नहीं ओपोनेंट ने, यहाँ घुसते हुए यहाँ पे, जी हाँ 4v2 यहाँ पे GOB खत्म होते हुए। तो यहाँ पे एक मेंबर यहाँ पे नॉक हुआ है इनका, ज्यादा नुकसान नहीं यहाँ फिनिश होते हुए। तो 4 नंबर का स्टोरी यहाँ खत्म करते हुए बेहतरीन। यहाँ पे GOB स्क्वाड के द्वारा वेनम आर्की ने 3 किल उठाया है यहाँ पे, या 4 उठाए, 3 किल उठाए शायद। एंड GOB के सारे मेंबर ऑलमोस्ट अलाइव ही है, 3 ही मेंबर थे शायद इनके। अब जो है बोल्ट यहाँ पे रोटेशन लेते हुए, जैसे ही उन्होंने देखा कि जी हाँ यहाँ पे वाइप हो गया है, अभी अंदर घुसते हुए रोटेशन मारते हुए यहाँ पे बेहतरीन तरीके से, मतलब एकदम स्ट्रेटेजिकली खेल रहे हैं। यहाँ पे लड़ाई होने दिया, थर्ड पार्टी भी किया, किल भी निकाल लिए, 2 किल अभी निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे GOB पे नजर रखे रहेंगे, GOB के ज़ूपलाइन स्टोनर इनसेन बढ़िया स्क्वाड है यहाँ पे, GOB नहीं सॉरी बोल्ड्स के नजर रखेंगे। GOB पर्सियन वेनम आर के अच्छा गेम दिखाते हुए 1v3 नहीं तो 1v4 निकाले। यहाँ RFL मेनियक ने यहाँ 2 OP को नॉक किया है यहाँ पे, एंड QBIC ने यहाँ नास्टी को फिनिश किया AKM से यहाँ पे बेहतरीन। TF6 यहाँ मैनियक भी यहाँ पे नॉक हो गया। ये फाइट कहाँ चले, अच्छा इधर चले माउंट क्रेजनिक के पास में, साउथ में चले यहाँ। अरे यार तो सही टाइम पे मेरा स्पेक्टेट में ना गड़बड़ हो जाता है, जल्दी से चलो यार वहां चलो, यहाँ नहीं देखना अभी। एक्सक्यूज मी, जी हाँ तो यहाँ पे फिर से यहीं आ गए, यहीं पे देख लेता हूँ यार, वो खुला ही नहीं यार। यहाँ फ्लैट चलाते हुए 24 नंबर स्क्वाड, आई थिंक बलिदान थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बलिदान या शार्क शार्क योगी ने यहाँ M416 से नॉक किया। लीथल का लड़ाई होते हुए यहाँ, कहाँ लड़ाई हो रहा है, आई थिंक साउथ में थे लीथल लोग, कहाँ गए लीथल, जी हाँ साउथ में लड़ाई होते हुए यहाँ पे दिख रही थी। एंड पहले चलते हैं हम यहाँ जल्दी से लीथल के पास, लीथल यहाँ पे नॉक पड़े हुए एक बंबर इनका, रॉ अन्नू यहाँ पे फिनिश होता हुआ, रॉ लीथल डीमियोस यहाँ पे नॉक पे पड़े हुए, यहाँ फिनिश भी हो जाएंगे आराम से एकदम चंगुल में इनके, जी हाँ खत्म होते हुए यहाँ पे। अब देखना है लीथल वर्सेस 2v2 का सिचुएशन, नहीं जी 1v2 का सिचुएशन, 1v3 का सिचुएशन। यहाँ लीथल ब्रॉली अकेले बचते हुए यार क्या करेंगे, अब देखते हैं। यहाँ एक मेंबर को नॉक, जी हाँ यहाँ फिनिश करेंगे, एक बंदा खा गए यहाँ पे, अच्छा है अपना रिवेंज टाइप हो गया इनका। एंड यहाँ पे एक और बंदा को नॉक कर सकते हैं, अच्छा नहीं 1v2 में आ गए। तो यहाँ लीथल स्क्वाड का खेल खत्म होते हुए, नेवर माइंड यहाँ पे अच्छा खेल दिखाया, एक बंदा को खा के मरे तो ठीक ही है, अच्छी बात है। एंड यहाँ पे चलते हैं हम नकली पे चलते हैं, नकली का अभी कितना 0 राइट, नकली आउट ऑफ द एक्शन टिल नाउ। बट जिस साइड वो हेड कर रहे हैं आई थिंक एकदम सही हेड कर रहे हैं, उनको फाइट पसंद है यार यहाँ पे। तो यहाँ 24 नंबर बलिदान पे रशिन किया है, फ्लेयर चलाया था 24 नंबर ने, फ्लेयर लूटने आ गए हैं ये लोग, छोड़ते नहीं है यार। यहाँ पे रशिन कर दिया नकली के बंदों ने, यहाँ 24 पे नकली हैवान, यहाँ पे नकली डॉक्टर पे चलते हैं, स्नाइपर कमाल के हैं, यहाँ मॉली से गेट फोड़ देंगे, जी हाँ गेट फोड़ दिया है यहाँ पे, नकली सौतन भी नेड करते हुए यहाँ पे ऊपर चलते हुए। यार नेट से बेहतरीन 2 नॉक निकाला है यहाँ पे, एक ही चिपक के बैठे हुए थे, नकली हैवान ने यहाँ पे खत्म कर दिया, और नकली हैवान ने बलिदान अभी को भी नॉक कर दिया। यार रेनोवेटर अकेले बचते हुए, क्या कमाल का नेट था यार, वो कैसे
कैप्चर करना चाहिए था। यहाँ पे आराम से अपना डोमिनेंस दिखाते हुए नकली मतलब घुसे मारे खत्म किया, काट के एकदम निकल गए। यहाँ बोल्ट्स दिखते हुए मुझे बोल्ट्स और जीओबी का आई थिंक अभी तक चल रहा है पंगा। जी हाँ, जीओबी यहाँ पे नीचे आ गए हैं एंड अब दिक्कत हो सकती है उनके पास, क्योंकि यहाँ पे घर इनके पास है एंड कवर भी है, लेकिन खैर जोन भी है, लेकिन जोन पास में ही है, सेकेंड जोन ही है, तो जोन ज्यादा खाएगा नहीं यार। तो यहाँ आराम से वेट आउट करके फाइट लेने का सोचेंगे, सोचेंगे यार, चल ही रही है फाइट। यहाँ बोल्ट्स यहाँ पे दो बंदे को नॉक करते हुए, जीओबी पर्सी अकेले बचते हुए यार। यहाँ पे 1v2 का सिचुएशन है, यहाँ पे क्या निकाल पाएंगे बोल्ट्स के, 1v1 का सिचुएशन था, बोल्ट्स उन्होंने यहाँ पे निकाल लिया, तो अपने स्क्वाड को बचा लिया। यहाँ जीओबी पर्सी यार नीचे रह गए थोड़ा हाइट में, इसलिए दिक्कत हो गया। यहाँ हाइड्रा रौनक ने बढ़िया सीएच क्रेक को यहाँ पे नॉक कर दिया, सीएच अल्फा की और क्लियर विजन में है। जी हाँ, बेहतरीन नॉक हाइड्रा रौनक कमाल करे, बट यार इनका एक मेंबर जो है स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट हो गया था, तो हीट निंजा और हाइड्रा रौनक निंजा पे चलते हैं जल्दी से हम। या निंजा पे आ गए हैं, यहाँ प्रोन रह के, लेकिन प्रोन रहना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, यहाँ कवर लेके रहना ज्यादा बेटर था। यहाँ पे अगर तुरंत अब प्रोन से क्राउच पे आके शॉट भी लेते हैं अगर, तो भी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ इन्फर्नो ने आइलेक्स लुकेरियो को यहाँ पे नॉक करते हुए सीएच आदिल, यहाँ का देखते सिनेरियो कैसा बनता है। यहाँ 12 टीम अलाइव है, 36 मेंबर्स अलाइव है टोटल, देखते हैं। नकली पहुंच गई है बोल्ट से टक्कर लेने के लिए, बोल्ट के बंदे वहां पे हैं, वेस्ट के तरफ दिख रहे हैं, जहां पे 24 बलिदान स्क्वाड को पूरा एलिमिनेट करके अपना डोमिनेंस हासिल किया नकली ने। अब चलते हैं यहाँ का फाइट, देखते हैं यार कैसा रहेगा इधर इस साइड में जोन का। तो और यहाँ बोल्ट जूप्लैंक, ओहो नकली सौतन को यहाँ M24 से नॉक किया, बेहतरीन यहाँ पे बोल्ट्स के द्वारा नकली के बंदों को यहाँ पे बंदे को नॉक करते हैं, रेव मिल जाएगा आई थिंक, चारों बंदे अलाइव है। इधर का क्या सीन है देखते हैं, यहाँ क्रॉस फायर में बुलेट्स चलते हुए हाइड्रोनक हीट निंजा, खैर यहाँ का फाइट हम देखते हैं। ओहो निकलने का फैसला लिया, BRDM बुला के यहाँ से निकलने का फैसला लिया है, तो रोटेशन मार के यहाँ पे साउथ के तरफ जोन के आ जाएंगे। यहाँ बोल्ट्स पे चलते हैं, बोल्ट्स टोनर यहाँ पे नकली को अभी नॉक किया, जी हाँ नकली सामने ही है इनके, नकली डॉक्टर पे चलते हैं, नकली सौतन पे चलते हैं, तुरंत अभी हील हुए थे, तुरंत हील करेंगे यहाँ पे, लेकिन नकली है कहाँ, पोजीशन जोन के जस्ट बाहर है, तो अभी आराम से वेट आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन नहीं, ये गाड़ी से निकलने का सोच रहे हैं, पर सामने बोल्ट स्क्वाड है यार, संभाल के थोड़ा, बोल्ट अच्छा अच्छी टीम है काफी। चलते हैं, नागर सांप ने यहाँ बढ़िया नॉक दिया यहाँ BYL के मेंबर को, और BYL विशाल यहाँ टीके सेंसिव वहां पे लगते हैं, जी हाँ यहाँ फेनोमिनल ने यहाँ टीके चिंकी को यहाँ पे नॉक करते हैं, तो दो बंदे को नॉक कर दिया यहाँ पे BYL के बंदों ने। यहाँ पे नेड अंदर जाता हुआ हिट करेगा क्या चिंकी को, नहीं हिट नहीं किया, वरना फिनिश ही हो जाते पूरा BYL। यहाँ पे BYL अनुबिस यहाँ पे घुसते हुए यहाँ पे ढूंढने में दिक्कत हो जाए, स्मोक करके भी रखा है, बेहतरीन यहाँ पे स्मोक करके रखा है, ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, बट आई थिंक TKO का यहाँ पे, TK0 का यहाँ पे समय, आई थिंक गेम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, दिक्कत हो सकती है। 7 के बंदे है कहाँ पे यार, कहाँ पे रुक के रखे, चिंके पे चलते हैं हम। यहाँ एक बंदा शायद सेंसी यहाँ पे रिवाइव हो जाएगा, तो 3v3 4v3 का सिचुएशन आएगा। यहाँ टिकियो क्रिस्पी यहाँ पे टॉम, ओहो अगर बालकनी में आते तो यहाँ पे शॉट ले सकते हैं अच्छी तरीके से, तो जोन यहाँ वेस्ट में शिफ्ट होता हुआ यहाँ पे 5th जोन हमें मिल चुका है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैक्स स्क्वाड यहाँ, और जैसा कि मैंने बोला था बालकनी पे मत आओ यार, यहाँ पे BYL के बंदो, यहाँ पे क्रिस्पी का क्लियर शॉट है यहाँ बालकनी में, तो आप बालकनी में मत, आई थिंक चिंकी यहाँ पे बालकनी में ही है, जी हाँ यहाँ घुस गए हैं एंड क्रिस्पी रहते हुए भी आई थिंक बोल तो दिया ही होगा इन्होंने कि आ रहे बंदे, यहाँ शॉट लेंगे BYL विशाल यहाँ पे खत्म करते हुए चिंकी को, चिक्की को, आई एम सॉरी ही इज नॉट चिंकी ही इज चिक्की, वेरी सॉरी। तो यहाँ जी हाँ BYL बोल्ट पे आ गया हूँ मैं अभी, बोल्ट पे यहाँ क्या चल रहा है, अच्छा बोल्ट यहाँ थर्ड पार्टी करने का सोच सकते हैं, यहाँ BLT स्क्वाड है, यहाँ सॉरी ये BLT है, और नागर सांप बेहतरीन कार चलाते हुए यार BYL अनुबिस को यहाँ पे नॉक किया बढ़िया तरीके से। एक और फ्लैट चलता हुआ दिखा यहाँ, Kar98 से यहाँ पे शॉट लेते हुए, ओहो अरे यार बालकनी में मत लो, अरे क्लियर शॉट है भाई, क्या किया यहाँ, मिस किया गंदा वाला, आई डोंट नो मे बी स्पेक्टेट में थोड़ा लेट दिखा सकता है। तो यहाँ बालकनी में मत आओ, अंदर रहो, यहाँ
एफपीपी पे स्विच किया इन्होंने, टीकेओ यहाँ पे लकी रहे कि यहाँ थर्ड पार्टी करने के चक्कर में जो बीएलटी स्क्वाड है, याद रहे बोल्ट एंड बीएलटी अलग स्क्वाड है, आई मीन दे आर रिलेटेड, दे आर फ्रेंड्स, बट दो अभी के लिए दो अलग स्क्वाड खेल रहे हैं यहाँ पे। तो बीएलटी जो है यहाँ खेलते हुए, तो यहाँ थर्ड, हाँ जैसा मैं कह रहा था, तीन स्क्वाड, ये जो तीसरी स्क्वाड यहाँ इंटरफेरेंस की, उस वजह से बीवाईएल ने टीके जीरो से यहाँ पे नजर हटा लिया, या सीएच अल्फा क्यों ना आई थिंक किसी को नॉक किया, यहाँ 14 नंबर स्क्वाड दिख रहे मुझे, डार्क बंटा या मजी नीचे सीएच से यहाँ पे फाइट लेते हुए, यहाँ थर्ड, यहाँ लकी बोलूंगा मैं टीके जीरो, क्योंकि इंटरफेरेंस की वजह से उनका थोड़ा सेफ हो गया, वरना बीवाईएल रश करने का सोच ही रहे थे, एक बंदे को खा भी गए थे। तो यहाँ पे बेहतरीन, यहाँ पे जोन में है तीनों स्क्वाड, तो यहाँ पे तो अभी पोजीशन होल्ड करेंगे, सारी स्क्वाड यहाँ पोजीशन होल्ड करेगी एंड कोई दिक्कत नहीं होगा अभी। नागर साहब यहाँ कार 98 खोल के रखा हुआ है, देखते हैं अब कैसा चलता है इनका। यहाँ टीके जीरो यहाँ पे, बाकी के मैप पे एक बार चलते हैं, बोल्ट स्क्वाड किधर है, बोल्ट पे एक बार चलना चाहूंगा मैं, देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे साउथ में दिख रहे हैं हमारा जोन, अब थोड़ा ईस्ट में चला गया है, टोवर के एकदम सेंट्रल में, यहाँ हाइड्रा रौनक टीम हीट है, ये 20 नंबर फिक्स स्लॉट में खेलती है, तो ये इनके लिए बेहतरीन है। लेकिन अभी मैक्स स्क्वाड को देखिए यार, सिर्फ एक स्क्वाड देखा जाए तो जोन के अंदर है, तो मैक्स को रोटेशन लेना है, उस रोटेशन के बीच में काफी तगड़ी फाइट्स देखने को मिलेगी ही मिलेगी यहाँ पे। अच्छा आप घुस रहे हैं धीरे धीरे टीके जीरो, यहाँ क्रिस्पी एंड ऑल नागर सांप अंदर घुसते हुए, M416 कार 98 दो गन्स इनकी, क्या करने का सोचा, रिट्रीट कर रहे हैं या अटैक कर रहे हैं जी, हम बीच में घूम रहे थे तो पड़ा इनको शॉट्स, थोड़ा हाफ हेल्थ खाए यहाँ पे, टीके जीरो पे चलते हैं यहाँ, कबीर बढ़िया गेम दिखाते हुए, ये लोग भी बोल्ट्स के चारों मेंबर बचते हुए यहाँ पे, बीएलटी के, ये बीएलटी है एंड दूसरी वाली बोल्ट है, या वाइसा वर्सा वॉट एवर, या बीवाईएल विशाल ओपन में बेहतरीन तरीके से कवर लेके रखा, कवर नहीं बोलूंगा आई मीन प्रोन होके रखे थे, यहाँ जोन के लिए अब निकलना ही पड़ेगा इनको, रोटेशन लेते हुए निकल रहे हैं, यार सामने मुझे नकली दिख रहे हैं, सबको जोन में घुसना है यार, तो दिक्कत तो होगी ही, या नकली हैवान यहाँ घुस गए हैं जोन में बेहतरीन तरीके से, बढ़िया होगा इनके लिए, यहाँ बी बोल्ट के बंदे, यहाँ बोल्ट इनसेन स्टोनर यहाँ जाते हुए, टीके जीरो वहां, टीके जीरो को देखिए जोन के बाहर से आई थिंक नॉर्दर्न साइड से रोटेशन लेते हुए ईस्ट में घुसेंगे, अब जो भी स्क्वाड यहाँ ईस्ट में घुसने का प्लान करती है, हाइड्रा या टीम हीट ने क्या किया, अच्छे खासे अकेले थे वो लोग, आराम से घुसना था उनको, कोई नहीं खैर आ गए तो आ गए, कोई दिक्कत का बात नहीं, यहाँ नकली पे चलते हैं हम जल्दी से, कंजेस्टेड एरिया में है तो ऑब्वियस जी, हाँ जैसा मैं कह रहा था, नकली डॉक्टर ने यहाँ बोल्ट के बंदों को, यहाँ बंदे को यहाँ नॉक किया, यहाँ पे नॉक करके फिनिश नहीं, नॉक ही किया है यहाँ, हाइड्रा रौनक से हटते हैं, हीट निंजा यहाँ पे क्या करने का सोच रहे हैं, इनका पोजीशनिंग काफी अच्छा है, जस्ट सामने फाइट हो रहा है, थर्ड पार्टी का भी चांस, बोल्ड बुए बुए को यहाँ पे खत्म करते हुए, नागर सांप को भी यहाँ खत्म करते हुए, तो यहाँ नकली अपने आगे, नकली सौतन यहाँ पे हैवान नॉक हुए थे, अभी हील भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है, नकली सौतन या सीएच के रोहिता को यहाँ पे नॉक किया, सीएच के बंदे हैं किधर यार, या नकली दिख रहे हैं मुझे, बोल्ड स्टोनर एंड बोल्ड जूप्लैंग एंड इंसेन यहाँ पे दिख रहे हैं, तो जो बोल्ड को इन्होंने फिनिश किया वो अलग स्क्वाड के होंगे लगते हैं, यहाँ बीवाईएल बीच से जाते हुए यार, बीवाईएल पे काफी अटैक होगा, जैसा कि मैंने बोला बोल्ड स्टोनर यहाँ फेनोमिनल को खा जाते हैं गाड़ी, लेकिन क्या बाकी के लोग निकलने में सक्सेसफुल रहेंगे, फेनोमिनल यहाँ फिनिश होते हैं जी, हाँ बीवाईएल के बाकी की स्क्वाड यहाँ निकलने में सक्सेसफुल हो गई है गाड़ी से, अब यहाँ बोल्ड वर्सेज नकली आ गई है एंड यहाँ सी एच भी है, तो सी एच वर्सेज बोल्ड वर्सेज नकली, नॉर्थ ईस्टर्न साइड कहाँ था, नॉर्थ था, और बोल्ड स्टोनर या ना नकली सौतन को यहाँ पे नॉक किया, यहाँ बेहतरीन तरीके से बोल्ड पे चलते हैं, यहाँ का क्या सीन है, 6 नंबर यहाँ सामने है, देखते हैं हाइड्रा रौनक और हीट निंजा, जी हाँ टीम हीट के बंदे, यहाँ हाइड्रा रौनक यहाँ अटैक नहीं किया, ऑलरेडी एक गाड़ी में निकल गए, जल्दी से हाइड्रा रौनक पे चलते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, 1v1 में आए, यहाँ 2OP ने यहाँ खत्म किया, 2OP ने ही इनके बाकी के स्क्वाड को भी निकाला था, यहाँ क्या करते हुए, यहाँ हीट ने, ए हे बेकार यहाँ पे हीट निंजा के द्वारा बेकार गेम प्ले,
पिक करके रखा, शॉट भी नहीं लाया, डोंट नो नेट लैग हुआ या क्या हुआ। यहाँ चलते हैं, नकली एंड बोल्ड आमने सामने आ गए हैं, देखते हैं कौन सी स्क्वाड यहाँ डोमिनेंट रहती है निकाल जोन में, क्योंकि दोनों को ही रोटेशन मारना है। देखते हैं, यहाँ बोल्ड स्टोनर पे चलते हैं हम, नकली के बंदे सामने से अभी निकलेंगे जोन के लिए, देखते हैं क्या होता है। यार जोन में ऑलमोस्ट पहुंच गई है 18 नंबर हमारी बोल्ड। जी हाँ यार, नकली निकलते और गाड़ी पर शॉट लेते हुए धुआं निकाल दिया है गाड़ी का। बढ़िया, यहाँ पर निकलने में सक्सेसफुल रहती है। नहीं, ओ हो, गाड़ी ब्लास्ट किया यहाँ। ओ हो, गजब, नकली सौतन, नकली दूल्हा और नकली हैवान यहाँ पे नॉक हो गए हैं। बेहतरीन, यहाँ पे बोल्ट स्टोनर के द्वारा तुरंत यहाँ एक बंदे बच गए। नकली डॉक्टर यहाँ पे बचते हुए तुरंत यहाँ पे हील करे, स्मोक स्क्रीन बनाना पड़ेगा एंड हील करना पड़ेगा। यहाँ पे गंदे तरीके से मारा यार नकली को। यहाँ बोल्ट के जूपलैंग ने यहाँ डार्क बनता ही को M249 से खत्म किया। यहाँ बोल्ट स्टोनर का देखते हैं वो फिनिश कर पाएंगे कि नहीं। ओहो, बोल्ट स्टोनर यहाँ फिनिश किया नकली दूल्हा, नकली डॉक्टर एंड CH Alpha Q ने नकली के एक और बंदे को, जो यार नकली जो है एलिमिनेट हो गई। आज पहली बार दिखा है उन्होंने इतना अर्ली एग्जिट लिया हो, वो भी इनके लिए अर्ली ही बोलूंगा, क्योंकि हर बार टॉप टॉप 5 भी क्या बोलूँ, चिकन डिनर ही निकालते हैं यार हर गेम में लगभग, वो भी 20 किल 15 किल, ऐसे 30 किल भी हुआ हुआ है उनका। तो खैर, अब यहाँ हमें मिल रही है 5 टीम हमारी, 5 टॉप 5 मिल रही है हमारे। BYL बोल्ट है यहाँ, डेडपुल शार्क कौन से स्क्वाड क्या फॉरवर्ड, यहाँ पे हमें देखने को मिला रहा है शार्क विरेन यहाँ BYL पे अटैक करते हुए। एक्सक्यूज मी, तो CH रोहिता यहाँ पे कमाल का, नकली के पूरे चारों क्रेट यहाँ पड़े हुए यार, एकदम मतलब लूट का तो भंडार होगा। 3 हेल्केट वेल्केट सब ले लिया है आराम से, स्मोक स्क्रीन भी है, अच्छा कवर बना के रखा है यहाँ पे। CH यहाँ पे आते हुए सभी स्क्वाड अभी जोन में घुसने के लिए कोशिश करते हुए, यहाँ बोल्ट जूपलैंक पे खोल लिया है अपना गन, यहाँ पे स्मोक बनाते हुए बोल्ट जूपलैंक के लिए यहाँ पे हील भी कर लिया। आई थिंक बैंडेज लगा रहे थे जूपलैंक। बड़े यहाँ शॉट्स देने का, टैप टैप शॉट्स देने का ट्राई करेंगे पर सक्सेस नहीं रहते हुए, कनेक्ट नहीं हो रहा है गोली उनका। यहाँ पे चलते हैं हम CH और बोल्ट या टीम TF6, सॉरी CH रोहिता यहाँ पे फाइट करते हुए एक नॉक निकाल के खुद नॉक हुआ यहाँ पे CH रोहिता। और यहाँ QBIC प्रिंस और ये जो है, अच्छा 2OP, जी हाँ ये लोग अच्छा किल निकालते हुए 12 किल निकाल लिया। बेहतरीन बेहतरीन गेम पूरी, एक तो हीट स्क्वाड को इन्होंने एलिमिनेट किया, खैर वो तो उतना अच्छा खेले नहीं, बट यहाँ देखते हैं CH एंड ऑल पे 6 नंबर के यहाँ हाइट का एडवांटेज दिखते हुए, यहाँ पे 13 नंबर हमारा बोल्ट, सॉरी 13 नंबर हमारा है। और यहाँ बोल्ट यहाँ शार्क विरेन को यहाँ पे अटैक करते हुए ऑलमोस्ट ले गए थे बट बच गए। यहाँ शार्क वेरियन जी यहाँ फिनिश होते हुए 2OP शाव यहाँ डेडपुल को नॉक किया, यहाँ फिनिश किया सॉरी। अब यहाँ पे 4 स्क्वाड बचते हुए 18 BYL हमारी, बोल्ट हमारी, CH हमारी, CH पे अटैक करते हुए बोल्ट स्टोनर ओपन में पा लिया उनको, तो पार्टी है इनके लिए। तो बोल्ट ने 11 किल निकाल लिया है, बेहतरीन। यहाँ BYL पे चलते हैं जल्दी से, इनसेन पे चलते हैं। CH Alpha Q को यहाँ पे टैप शॉट देते हुए अल्फा क्यू को यहाँ फिनिश किया। BYL के बंदे ने अल्फा क्यू को मार दिया है, M24 या ओम था, आई डिडंट नोटिस। यहाँ BYL भी फंस जाएगा। बोल्ट जूपलैंग को देखिए यार, ओपन में रह के एकदम खत्म किया BYL विशाल को यहाँ पे बोल्ट जूपलैंग ने बढ़िया तरीके से। यहाँ पे इनसेन ने आई थिंक CH के आदिल को भी नॉक कर दिया, जो कि जोन से ही चले जाएंगे। BYL के अनुबिस ने यहाँ आदिल ओ हो किल चुरा लिया, यहाँ बोल्ट का क्लैन यहाँ BYL निकाल लिया। जूपलैंक पे चलते जल्दी, सामने से टॉम्बलसन आते हुए खत्म यहाँ पे टॉम्बलसन का भी खेल, BYL का खेल यहाँ पे आई थिंक समाप्त होते हुए। एक बंदा और बचेगा यहाँ, CH रोहिता ओपन में मिल गए, तो 2OP ने CH रोहिता को, मतलब ये बोनस पॉइंट था कि भाई देखो 3 4 बंदे आ रहे हैं, जिसको किल उठाना है उठाओ, तो बोल्ट ने उधर से उठाया, इसने उधर से। BYL के एक बंदे जैसा कि बच गए थे जी, लेकिन कितना देर बचेंगे, कवर नहीं है, खत्म होते हुए जूपलैंग ने खा गया इनको। तो पूरा बोल्ट BYL को यहाँ बोल्ट स्क्वाड ने यहाँ खा लिया है। अब 2 3v3 का सिचुएशन बेहतरीन तरीके से सभी का है, उधर भी इनसेन यहाँ पे रिवाइव होते हुए, पर यार जोन बन गया है बोल्ट पे, ये तो काफी बड़ा एडवांटेज हो गया, स्पेशली ऐसे फाइनल जोन एंड तगड़े मैचेस में
जोन यार अगर साथ दे दे तो क्या ही बात हो। तो यहाँ पे हाइट का एडवांटेज है, जोन का एडवांटेज है, तो आई थिंक आई हैव अ विनर इन माय माइंड। लेकिन देखते हैं यार, अच्छी स्क्वाड है यार, 6 नंबर हमारी बेहतरीन 15 किल के साथ यहाँ पे मौजूद है, दोनों एकदम काटे की टक्कर। यहाँ स्मोक स्क्रीन रेडी कर रहा है। अब देखिए घुसने के लिए आपको क्या ही करना होगा, एक बार मैं ऐसा रन लो जैसे ये पत्थर के पास से रन लेते हुए एकदम जो हाइट है उसके नीचे आ जाऊंगा, ये जो हिल समझ लो है उसके एकदम ठीक नीचे आ जाओ तो ही आप बच सकते हो, क्योंकि ऐसे केसेस में और कोई तरीका है नहीं। थोड़ा भी आप निकलोगे यहाँ पे देख रहे हो खूंखार के तरह एकदम नजर बना के रखा है, जैसे ही निकलोगे आप यहाँ पे हिल कर रहे थे यहाँ पे नजर बनाया बेहतरीन यहाँ पे स्मोक का, ओ हो कमाल का यार। बोल्ट स्टोनर यार TF6 यूसुफ को यहाँ पे नॉक किया, पर यार प्रिंस का क्या ही यहाँ पे जोन में रोटेशन देखने को मिला, मतलब क्या ही जोन में घुसे हैं यार। स्मोक स्क्रीन का एकदम बढ़िया यूज करते हुए एकदम प्यारे तरीके से एकदम हाइट के नीचे आ गए, उनके नाक के नीचे बैठ गए। बोल्ट स्टोनर यहाँ पे आ गए हैं, उनको पता है यहाँ कुछ तो नेट वेट करने का सोचेंगे बोल्ट स्टोनर। जी हाँ यहाँ अच्छा मॉली फेंका है, नेट नहीं सॉरी मौली कर दिया यहाँ पे, उस साइड से भी नेड आते हुए इनसेन यहाँ पे बाकी दो बंदों पर नजर रखते हुए यहाँ कौन जीते यार। 2 OP यहाँ दिखते हुए पेड़ के पीछे कवर लेके रखा हुआ है, यहाँ पे 5 जन अलाइव है, 2v3 का सिचुएशन है यहाँ पे, देखते हैं कौन जीतेगा। यहाँ बोल्ट जुपलाइन को नॉक कर दिया है 2 OP शवि ने, पर यहाँ शवि भी खत्म होते हुए और यहाँ बोल्ट फाइनली यहाँ पे जीतते हुए चिकन डिनर निकाल लिया है। बोल्ट ने 9-6-15 एक 16 स्क्वाड किल के साथ, पर यार बहुत बढ़िया खेला सेकंड स्क्वाड जो हमारी 2 OP जहर इन्फर्नो QBIC प्रिंस टीम TF6 यूसो। यहाँ पूरा एक बार रिकॉर्ड में ले लेता हूँ मैं रिजल्ट, थर्ड पे BYL विशाल टॉमसन अनुबिस एंड फेनोमिनल 3-2-5 6 किल के साथ बेहतरीन मैच हुआ यहाँ पे, मजा आ गया देख के। नीचे के काफी स्क्वाड्स यहाँ पे 0-1 0-1 किल्स के साथ ही रह गए, मेजोरिटी किल्स जो है यहाँ डोमिनेंट मैच देखने को मिला यहाँ तगड़े टीम्स के साथ। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, बाय बाय।